लेकिन डॉक्टर साहब वो चल तो सकेंगे जी, क्यों नहीं, देखिए फिजियोथेरेपी की जाए तो ज़रूर चल सकेंगे, ठीक है, मगर होश में आएंगे तो थोड़ा सा शॉक लगेगा आपको, आप लोगों को ख्याल करने की ज़रूरत है। अम्मी जी, अम्मी जी। हाँ क्या बात है, क्यों शोर मचा रहे भाई? समरीन का फोन आया था, मामू को हॉस्पिटल लेकर गए। अल्लाह, मुझे पता था, मुझे पता था यही होना है। अरे रात को जो तमाशे हो रहे थे ना वहाँ पे, पता था मुझे ये जरूर होगा। अल्लाह नसरीन, तुझसे तो अल्लाह पूछेगा। अल्लाह सिर्फ मोमानी से नहीं पूछेगा, और कुछ गलत नहीं किया मोमानी ने। वैसे बड़ी मिर्चे लग रही है तुझे, है मोमानी को जरा सा कुछ कह दिया तो। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, आपने चलना है तो बता। हाँ मैंने भी चलना है। आ जाए फिर, जल्दी आ जाए। अरे अल्लाह पूछेगा इस नसरीन से तो। बड़े मुतमईन अंदाज में बैठी हो, शायद तुम्हें अपने मतलब की डॉक्टर मिल गई। नहीं, मुझे कोई डॉक्टर तो नहीं मिला, मगर वक्त जरूर मिल गया, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कितनी टेंशन में शाजिब को मेरे चेकअप का ख्याल आएगा भी। बेचारी माहीन इस बार फिर बसते बसते रह गई। दूसरों को तकलीफ में देकर खुश होना, किसी को अजियत देना, धोखा देना, झूठ बोलना, ये सारी बुराइयां हैं। तो मुझे तो तुम्हारे बारे में यही सोचकर डर लगता है कि कहीं कल को वक्त पलटा तो। पलटते हुए वक्त को अपने हाथ में करना आता है मुझे, आपको मेरे लिए फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी यही बातें तुम्हें किसी दिन ले डूबेंगी, संभल सकती हो तो संभल जाओ। अम्मी आपको क्या लगता है, क्या आपकी नसीहतों का मुझ पर कोई असर पड़ेगा, या कभी कोई बात आपकी मेरे दिलो दिमाग में इतनी उतर जाएगी कि आपकी हिना बदल जाएगी? हो सकता है ऐसा? नहीं ना, तो फिर क्यों अपना और मेरा वक्त बर्बाद करती हैं? अरे शाहजेब को तो पूछो, ऐसा ना हो कि आ जाए चलो चेकअप के लिए। हेलो जी, है ना? कहाँ हो तुम, सुबह से ना कोई फोन किया ना मैसेज। मामू की तबीयत नहीं ठीक, हॉस्पिटल में, वहीं जा रहे हैं हम लोग। ओहो क्या हुआ है मामू को? उन पर तो जैसे एक के बाद एक आफत टूट पड़ी है। चलो तुम हॉस्पिटल पहुंच के मुझे अपडेट जरूर देना। ठीक है, ओके। बेचारे, जब किस्मत ही साथ ना हो तो अच्छे अच्छे हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। तुम जाओ यहाँ से। चला जाऊंगा, इतनी मेहनत से लेकर आया हूँ, एहसान मानने के बजाय गुस्सा हो रहा है तुम। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा, अब खुशी पूरी हो गई तो दफा हो जाओ यहाँ से। दफा हो जाऊंगा। हाँ फौरन। अच्छा चला जा तू, लेकिन सदमा तो पता है ना कौन सा लगा है, ऐसी बेटी का बाप है तो। शराफत की सफान लगता तुम्हें समझ नहीं आती। अबे गुस्सा क्यों कर रहा है, दफा हो जाओ यहाँ से वरना सिक्योरिटी को बुलाऊंगा। अबे जा रहा हूँ, दसना है क्या अंदर? वो धंधा देना हो ना बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। ठीक है छोड़।
छोड़ो बेटा इसे, चलो चलो। रईस अहमद के साथ आप लोग हैं जी? सर ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है, उनका बीपी शूट कर गया था, माइनर सा अटैक हुआ है और राइट साइड अफेक्ट हुई है उनके, ठीक है, राइट साइड जो है इनके पाँव का अफेक्ट हुआ है। लेकिन डॉक्टर साहब वो चल तो सकेंगे जी? क्यों नहीं, देखिए फिजियोथेरेपी की जाए तो ज़रूर चल सकेंगे, ठीक है, मगर होश में आएंगे तो थोड़ा सा शॉक लगेगा, आप लोगों को ख्याल करने की ज़रूरत है। थैंक यू। हसन कहाँ है? उसने कल की मीटिंग की प्रेजेंटेशन भी नहीं सेंड की मुझे, परेशान भी लग रहा था। तुम्हारी बात हुई है उससे? नो मैम। अच्छा, मैं उसे फोन करती हूँ। थैंक यू। जी मैम। कल की प्रेजेंटेशन अगर बन गई है तो प्लीज मुझे फॉरवर्ड कर दो। मैम I'm sorry, मैं हॉस्पिटल में हूँ। हॉस्पिटल में सब खैरियत है? जी, वो को माइनर सा फालेज अटैक हुआ तो I'm sorry, मैं प्रेजेंटेशन नहीं बना सका। Oh, it's okay. ठीक है, मैं ज़ैन से कह दूँगी। And please, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो, just call me. जी मैम, thank you. खुदा हाफ़िज़। कौन है हॉस्पिटल में? वो हसन के अब्बा को फारिज का अटैक हो गया है। रईस अहमद, आपको ऐसी हालत में तो कभी नहीं देखना चाहती थी मैं। या अल्लाह, रहम कर दे इन पर, मैं इन्हें ऐसे नहीं देख सकती, ये तो जीते जी मर जाएंगे। इन्हें जल्द अज जल्द अपने पैरों पर खड़ा कर दे मेरे अल्लाह। पता लग रही है अहमद का। तुझे कैसे पता रईस भाई की तबीयत खराब है? अरे मैं ही तो लेकर गया था हॉस्पिटल। हाय हाय, बेचारा मेरा भाई, बीवी बच्चों का मोहताज होके रह गया, फालिज का अटैक हुआ है, अब चल फिर भी नहीं सकता। सारी सुन, ठीक है, कह रही हो खाला तुम? ठीक कह रही हूँ, वैसे ही सारी जिंदगी बिस्तर पे गुजरेगी उसकी, कॉलेज के अटैक की वजह से। और वो नसरीन और उसके बच्चे, अरे कमबख्त खुश हो रहे होंगे, अब तो सारी जिंदगी ऐश करेंगे और गिन गिन के बदले लेंगे मेरे भाई से। अरे खाला, ऐसे कैसे बदले ले लेंगे, ऐसे कैसे बदले ले लेंगे? मैं तो कहता हूँ तुम जाके वहाँ रहना शुरू कर दो, उनको भी तो पता लगेगा ना कि रईस अहमद के पीछे उनकी बहन है, ऐसे कैसे ले लेंगे बदले? हाँ तो मैं ऐसे ही थोड़ी उनके आसरे पे छोड़ दूंगी अपने भाई को। अरे तुम देखना तो सही, जैसे ही मेरा भाई अस्पताल से घर आएगा ना,
तो एक एक से खिदमत करवाऊंगी, ऐसे रगड़े लगवाऊंगी कम वक्तों के। बिल्कुल सही कह रही हो खाला तुम। बस तुम्हें किसी किस्म की कोई परेशानी हो, कोई चीज चाहिए हो ना, मुझे फोन कर देना, मैं हाजिर हो जाऊँ। अरे तेरी क्या जरूरत पड़ेगी मुझे, मेरी बात सुन ले। जो मैंने तुझसे काम करवाना था, जो तूने करना था वो कर लिया, अब चल अपना रास्ता नाप। चल अब जाए यहाँ से। बड़ी मतलबी हो खाला तुम। अपना काम था तुम्हारा तो बड़ी मीठी बनी हुई थी, अब आके तुमने माथे पे चढ़ा ली। हाँ तो तुझे क्या लगता है कि सारी उम्र में तेरी आओ भगत करूंगी है? चल चल निकल यहाँ से। और सुन, खबरदार जो दोबारा तूने इस तरह आके मिलने की कोशिश की होगी मुझसे, अगर शाजिब देख लेता ना तो सारा मामला खराब हो जाता। हाँ जा रहा हूँ आराम से। क्या हो गया? वाह सेठ साहब, इतनी खातिरदारी कर रहे हैं आप मेरी, इतनी तो मेरी अपनी शादी में भी नहीं हुई थी। तो जो खबर तूने मुझे सुनाई है ना, उसमें तो मुझे ये सब कुछ भी कम लग रहा है। बस इंशाल्लाह आप देखना, मार्केट में आप ही का राज होगा सेठ साहब। हाँ भाई, वो रईस अहमद हमारे सामने खड़ा होना चाहता था, अब बेचारा सारी जिंदगी बिस्तर पर लेटे लेटे गुजारेगा। एक बात है, वैसे इतनी बुरी की है ना आपने उसके साथ, जान को बनाई बेचारी। देख भाई बिलाल, मेरे साथ जो बुरी करता है ना, फिर मैं उसके साथ अच्छा होने नहीं देता किसी भी तरह। बड़े प्लानर आदमी हो आप वैसे सेठ साहब, हर चीज प्लान से करते हो। मैं अभी तो इब्तिदा है रईस अहमद की जिल्लत की, अगर उसकी बेबसी का मजा ना लिया तो फिर क्या किया। सुन, वो रईस अहमद जब अस्पताल से घर आ जाए ना तो मुझे बताना, बस चलेंगे उसकी आयादत को, आखिर को पुराना साथ है उससे अपना। खाना लेना ही है? हाँ खा रहा हूं। आप क्यों नहीं ले रहे? ये पी, बोतल पी। आप भी लो ना। हाँ हाँ मैं लेता हूँ। अरे शाजिब, तुम अभी तक यहीं बैठे हो? आओ चलो खाना खा लो। नहीं मैंने नहीं खाना, दिल नहीं चाह। क्यों? मामी समरीन और किसी ने भी नहीं खाया होगा वहां पे। टेंशन में मुझे ख्याल ही नहीं रहा, मैं उनसे पूछ लेता खाने का। हाँ समरीन ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ओके शाजिब, ना मुझे हॉस्पिटल जाना है, कॉल आ गई है इमरजेंसी। हाँ ठीक है चले जाना, मगर खाना खा के जाना, आ जाओ। नहीं प्लीज इंसिस्ट मत करो, मैं उनके साथ खा लूंगा, मेरा दिल भी नहीं कर रहा। शाजिब तुम्हारी वजह से मैंने भी खाना नहीं खाया है, ताकि हम साथ बैठ के खाएं, और तुम हो कि तुम्हें जरा परवाह नहीं है मेरी। क्यों ऐसी बातें करती हो? मुझे है तुम्हारी परवाह, सबसे ज्यादा तुम्हारी परवाह। और तुम हाँ समरी ठीक है मैं आ रहा हूँ। ओके मेरा जाना जरूरी है, हसन अपना कार्ड भूल गया और वहाँ पेमेंट करनी है। ठीक है ओके। मैं कुछ दिन के लिए घर के आ गई, तुम्हारी डोर जैसे समरीन के हाथों में ही आ गई। कैसे उसके इशारों पर चलने लगे हो? समरीन तुम सफाई छोड़ दो, मैं खुद कर लूंगी। नाश्ता बना लो तुम जाकर, और तुमने शाजीब से दूध और अंडे मंगवाए? मैंने बोल तो दिया था उसे, मैं पूछ लेती हूँ। कैसी खुशियाँ फूट पड़ी हैं तुम लोगों के चेहरों से, आखिर बाप को इस साल पे पहुँचा दिया ना तुम लोगों के करतूतों ने। किसी बात कर रही हूँ, कोई भी बेटी नहीं चाहती कि उसका बाप बीमारी में बिस्तर में पड़ जाए। क्या होगी? बस रहने दो, वो बेटियाँ और होती हैं, ये नसरीन की बेटियाँ हैं, इन्हें तो अब खुल के खेलने का मौका मिल जाएगा। पप्पो प्लीज कुछ तो लिहाज कर ले, क्या आपको लग नहीं रहा हम ऑलरेडी बहुत परेशान है? हाँ दिख रहा है, ये तुम लोगों के चेहरों पे जो इत्मीनान और खुशियाँ है ना, दिख रहा है कितनी परेशान हो। अरे खुश हो तुम लोग, ये बात को चुप लगा दी। तुम नाश्ता बनाओ, अम्मी जी, अम्मी जी आप आए मुझे बात करनी है।
आप फिक्र ना कीजिए रईस अहमद, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर को लेकर आओ, रईस अहमद, रईस अहमद होश कीजिए। या अल्लाह मैं क्या करूं सर, रईस अहमद, रईस अहमद, रईस अहमद होश कीजिए। मॉम, आपने मुझे डैड के साथ क्यों नहीं जाने दिया? तुम्हारे अब्बा काफी है ना बेटे रिश्ते निभाने के लिए, चले गए वो। हाँ लेकिन मॉम आप प्लीज सिचुएशन समझने की कोशिश करें, हसन को कितना बुरा लगेगा जब उसे पता चलेगा मैं उसके साथ नहीं हूँ। इस टाइम पे तो मुझे उसके साथ होना चाहिए ना। उसकी पूरी फैमिली है उसके साथ, तुम मत परेशान हो। मैंने तुम्हारे अब्बा के बदलते तेवर देख रखे हैं अच्छी तरह से, अभी पता नहीं किस तरह वो चुप करके चले गए, लेकिन सोच वो तुम्हारी तरह ही रहे हैं बिल्कुल। मॉम किंजा, शौक हुआ है इन्हें अपने फालिज का पता चलने। आप लोगों को इनका और इनके ब्लड प्रेशर का बहुत ख्याल रखना होगा, हाई बीपी इनके लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, हमें क्या करना होगा इनके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने के लिए? इनकी बहुत ज्यादा केयर करें ताकि ये स्ट्रेस ना, स्ट्रेस से निकलें। अपने विल पावर यूज करेंगे तो बहुत जल्द अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ अगर होश आ जाए तो आप लोग इन्हें ले जा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। देखा, मैं जानती थी ये नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे, वही हुआ जिसका मुझे डर था। हमारे अब्बू को मेरी हाय लगी, आज इस हालत में मेरी वजह से। प्लीज हिम्मत कीजिए, अब्बू को कौन संभालेगा? तुम ठीक कह रहे हो, हम हिम्मत नहीं हारेंगे ताकि वापस अपने पैरों पर खड़े हो सके। तो फिर क्या सोचा है तुमने? किस बारे में? डॉक्टर ने जो न्यूज दी है, अब वो इस सिचुएशन में किसी भी तरह गुड न्यूज तो हो नहीं सकती, कम से कम मेरे लिए तो नहीं है। देखा जाए तो तुम्हें भी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अब ऐसे कैसे कह सकती हैं? क्या आप खुश नहीं हैं? साफ कहूँ तो मैं तो तुम्हारी शादी से ही खुश नहीं। अब तुमने हसन का रवैया भी खुद देख लिया, एक बार भी पलट कर आया वो तुमसे मिलने के लिए या बात करने के लिए? जिसे तुम्हारी परवाह नहीं है उसे तुम्हारे बच्चे की क्या परवाह होगी? आप आखिर चाहती क्या है मॉम? मैं तुम्हें जिंदगी की सारी उलझनों से बचाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ तुम फिर से अपनी जिंदगी शुरू करो। मेरी जिंदगी हसन के साथ शुरू हो चुकी है और नई शुरुआत के लिए इख्तिताम का जरूरी है जो नामुमकिन है। हाँ लेकिन इस बच्चे की वजह से हमारी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू जरूर होगी, लेकिन वो इख्तिताम पे नहीं पहुंचेगी जो आप चाहती हैं। तुम एक बार फिर बेवकूफी कर रही हो किंजा। ये आपको लगता है, लेकिन अगर एक मासूम की जान लेना कोई समझदारी है तो ऐसी समझदारी मुझे नहीं चाहिए। ठीक है तो फिर बताओ सब कुछ हसन को। अगर तुम्हारी पहली कॉल पर वो दौड़ा चला आया तो यकीन करो मैं मान जाऊंगी कि मैं गलत, लेकिन अगर वो पलट कर नहीं आया ना
तो तुम्हें यह मानना पड़ेगा कि उसकी नजर में तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की कोई अहमियत नहीं। देख क्या रही हो, मिलाओ फोन उसे। हाँ कैसा, क्या हुआ? हसन, मुझे तुम्हें गुड न्यूज देनी है। क्या हुआ? कुछ चाहिए आपको? हसन, अच्छा मैं थोड़ी देर में कॉल बैक करता हूँ, बाय। देख लिया खुद तुमने, रईस अहमद का खून दौड़ रहा है उसकी रगों में। ये बेरुखी बेहिसी उसको विरासत में मिली है। अपनी फुफ्फो की तरह सारी जिंदगी उसके साथ सर भी फोड़ती रहोगी ना, फिर भी कोई असर नहीं होने वाला उसे।